नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं इसको आप सर्च कीजिए। और अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, अभी सुबह हो रहा है, आप अपनी वाइफ के पास जाइए, उनको देखिए, आपकी वाइफ सारे समाज को, सारे सहेलियों को, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ आई, लेकिन जब उनको कुछ जरूरत पड़ता है, कोई चीज डिमांड करते हैं, हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपसे हम बिजनेस करें। आप याद कीजिए, कई बार आपके चलते आप अपनी वाइफ को रुलाए हैं, आपके चलते कई बार उनकी आंखों में आंसू आए हैं, याद कीजिए। उनको कुछ खरीदना था, आप खरीदने दिए, मुंह फुला लिए, रोए, आंखों में आंसू आ गया, ये वजह हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपके बच्चे हैं, कई बार मेले में जाते हैं, खिलौना का डिमांड करते हैं, जेब में पैसे नहीं होते साहब, हम उनको मना करते हैं, खिलौना खराब है, हम उनको मना करते हैं, बहुत महंगा है बेटा, चलो कुछ खा लो, बोलता है नहीं पापा मैं खाऊंगा नहीं, मुझे खिलौना चाहिए। हम उनको फुसलाते हैं, बेटा चलो झूला झूला देंगे, वो बोलेगा नहीं भाई खिलौना ही चाहिए। हम उनको डांटते हैं, पीटते हैं और मेला से घर लेके चले आते हैं। बच्चा आता है, रोता है, सो जाता है भूखे, हम उनको उठाते हैं, बेटा खाना खा लो, वो क्या बोलता है पापा भूख नहीं है। ये कारण हो सकता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपके माँ बाप है, क्या आप उसको रुलाना चाहते हैं? कोई जवाब दे सकते हैं सर, क्या आप अपने माँ बाप को रुलाना चाहते हैं? हेलो, क्या आप में से कोई अपने माँ बाप को रुलाना चाहते हैं? आप लोगों से सवाल है सर, क्या आप अपने माँ बाप को रुलाना चाहते हैं? कोई जवाब दे सकते हैं? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं रुलाना चाहते? रुलाइए, खुशी कहाँ से रुलाइए? हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बाल बच्चा काबिल बने, हमसे ज्यादा सक्सेस हो। जिस दिन आप काबिल बनेंगे, आपसे ज्यादा आपके माँ बाप खुशी कहाँ से रोएंगे? रुलाइए उनको। ये कारण हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आप चाहते हैं समाज में जितने भी तरह का परेशानियां उनको दूर करना। आप देखते हैं बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, बहुत सारे लोग का घर में छत्र छाया नहीं है, कपड़े पहनने के नहीं है, लोग का हेल्प करना चाहते हैं। ये कारण हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना। आप कारण तो पैदा कीजिए, आप कारण पैदा कीजिए। एक कारण पकड़िएगा ना साहब, आप इस तरह से काम करते कोई मायने लगता है, आपका वाय क्लियर हो जाएगा, आप कैसे भी काम करके निकल जाएंगे। तो उस कारण पैदा कीजिए, और कोई भी इंसान आपको कारण नहीं दे सकता है, कारण आपको अंदर खोजना पड़ेगा, आपको कारण खोजना पड़ेगा। हमको आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, ये आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप कारण ढूंढ नहीं पाते हैं तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। कारण ढूंढिए, और कैसे करना है, बहुत सारे लोग है, यूट्यूब बाबा है, गूगल बाबा है, आपके अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, बहुत सारे वीडियोज है, बुक्स है, वो आपको सिखाएगा कैसे करना है। कारण तो ढूंढिए, एक कारण ढूंढेंगे हजारों आपको रास्ते मिलेंगे। तो कारण ढूंढिए, आज उठिए, अपने हस्बैंड को देखिए, अपने वाइफ को देखिए, अपने बाल बच्चों को देखिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखिए, अपने रिलेशन को देखिए। कई रिलेशन ऐसे आपके हैं जो आपसे आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं, कई बार आपकी ओर मुंह उठा के देखते हैं कि हमारा रिलेशन है, हमारे भाई है, हमारा चाचा है, हमारा मामा है, हमारा फूफा है, इनके पास पैसा है, हमारा हेल्प करेगा, लेकिन हम उनको हेल्प तक नहीं कर पाते हैं। हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हेल्प नहीं कर पाते हैं। कारण ढूंढिए कि इनका हेल्प करना है इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। लोगों की स्थिति घर में खराब है, लोग घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको सुधारना है, वो कारण हो सकता है। देश की स्थिति खराब है, इसको सुधारना, ये कारण हो सकता है। कारण ढूंढिए, आपको कारण खुद ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन आप कारण ढूंढ लेंगे ना साहब, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ने से कोई मायका लाल नहीं हो सकता है। भले आप कुछ देर के लिए अंधेरा में हो सकते हैं, बोला जाता है आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं ना साहब, हो सकता है आंधी आए बुझ जाए, लेकिन आप अपने साथ साथ दो लोग घर में दीपक जलाते हैं, दो दिए जलाए, दो जगह से रोशनी आया साहब। उसी तरह आप हजारों लोग घर में दिए जलाएंगे, हजारों लोग घर में रोशनी जाएगा साहब, तो आपका घर में भी रोशनी आएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग साथियों रोशनी देने का बिजनेस है, लोगों को मदद करने का बिजनेस है। बोला जाता है कर भला तो हो भला, आप लोगों का हेल्प करेंगे ऑटोमेटिक आपका हेल्प होगा साहब।